जय माता रानी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि सावन के महीने में हर सुहागिन महिलाओं को कौन से ऐसे 8 कार्य है जो जरूर करने चाहिए अपने पति के लंबे आयु के लिए। और ये भी जानेंगे कि साल 2024 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि सावन का पावन महीना शुरू हो गया है 22 जुलाई से और सावन समाप्त हो जाएगा 19 अगस्त को। तो 19 अगस्त को लास्ट सोमवार का व्रत भी है, रक्षाबंधन भी है और पूर्णिमा भी है। तो बता दूं कि अब की बार बड़ा ही शुभ संयोग पड़ा है कि सावन सोमवार से शुरू हो रहा है और सोमवार को समाप्त हो रहा है। तो बड़ा ही ये शुभ संयोग है। और ये भी शुभ संयोग है कि सावन में हमें टोटल 5-5 सोमवार का व्रत प्राप्त हो रहा है। तो जो लोग भी अगर स्वस्थ है, अगर वो लोग करना चाहते हैं तो 5 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है या बहुत सारे लोग हैं जो मंगलवार के अगले दिन व्रत भी रखते हैं कि सोमवार का मेरा व्रत भी ना छूटे और मंगलवार का व्रत भी कर ले। तो अगर उस स्थिति में है, अगर आप करना चाहती है तो 5 सोमवार का व्रत कर सकती है। अगर ये भी नहीं करना चाहती है तो आप 2 भी सोमवार के व्रत कर सकती है, एक आगे वाला और एक 19 अगस्त वाला जो सबसे लास्ट में पड़ेगा। या आप वो भी 2 सोमवार का व्रत नहीं करना चाहती है तो आप सिर्फ सावन के महीने में शिव जी की पूजा करके आप व्रत के लाभ उठा सकती हैं, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि देखिए हमें अपने स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो ही व्रत रखिए, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप व्रत मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पूजा पाठ करके आप जो भी अपना मेडिसिन लेती है वो अपना ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला मेरा स्वास्थ्य है, अगर स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है, अगर मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ देख करके, अपना स्वास्थ्य देख करके ही हमें कोई भी कार्य करनी है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि सावन के महीने में हमें कौन कौन से 8 कार्य करना है। तो सबसे पहला कार्य है कि हमें सावन के महीने में, क्योंकि शिव जी का ये महीना है, माता पार्वती का महीना है, तो उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए हमें सावन के महीने में कभी भी पूजा करें, घर के मंदिर में करें या बाहर अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो आप 16 श्रृंगार करके ही जाएं। अब मान लीजिए किसी का बच्चा छोटा है, कहना आसान है करना आसान नहीं है, फिर भी आप अपने मंदिर में पूजा कीजिएगा या मंदिर में जाइएगा तो आप श्रृंगार करके ही पूजा कीजिएगा। और सब दिन है कि चलो स्नान कर लिए, वस्त्र धारण कर लिए और कभी सिंदूर लगा के पूजा किए तो कभी बिना लगाए पूजा किए, ऐसा हमें सावन के महीने में नहीं करना है। सावन के महीने में हमें सज सवर करके पूजा करनी है माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए। मान लीजिए कि और कुछ आप नहीं कर सकती है, 16 श्रृंगार उतना सुबह में करना आसान नहीं है, फिर भी आपको सिंदूर, बिंदी और काजल और हरी चूड़ी तो हर कोई सावन भर धारण करके रखता ही है, तो ये 4 श्रृंगार हमें प्रतिदिन करके पूजा करनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि 16 श्रृंगार उतना सुबह में करना मतलब किसी के बस की बात नहीं है। तो ये सारा श्रृंगार करके आपको घर में भी पूजा कर रही हैं तो इतना श्रृंगार करके घर में भी पूजा करें, या आप बाहर मंदिर में जा रही हैं पूजा करने के लिए तो इतना श्रृंगार करके आप बाहर भी जाइएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। दूसरा नियम है कि आप जब भी सावन में जितने भी व्रत पढ़ रहे हैं, सोमवार का व्रत पढ़ रहे हैं या और भी कोई व्रत पढ़ रहा है, तो जितने भी व्रत पढ़ रहे हैं उस दिन अगर आपके पास में सिंदूर है तो उसे सिंदूर जरूर लगाइएगा, क्योंकि सुहाग का व्रत है और सावन का पावन जो महीना होता है वो शिव जी का महीना होता है। तो इसलिए आप लोग अगर आपके पास में सिंदूरा है तो सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार के दिन आप लोग अपने सिंदूरा से ही सिंदूर लगाइएगा, ठीक है। और तीसरा नियम है कि सावन के महीने में हमें सिंदूरा में सिंदूर जरूर भरना चाहिए, पीला भरे या लाल भरे, कहीं भी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं या कहीं से भी आप एक पैकेट सिंदूर खरीद के आप अपने सिंदूरा में जरूर डाल लीजिएगा, बड़ा ही शुभ होता है। तो आप लोग पक्का डाल लीजिएगा। हमारे यहाँ तो सावन के महीने में शुक्र या सोमवार के दिन डाला जाता है, लेकिन रविवार और मंगलवार छोड़ करके आप लोग डाल लीजिएगा अपने सिंदूरा में सिंदूर, ठीक है। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं कि
जब भी आप सावन में व्रत धारण करती है, सोमवार का व्रत धारण करती है, तो आप अपना मंगलसूत्र जरूर पहन लीजिएगा। या बहुत सारे लोग हैं ये जो ये ढोलना नहीं समझ पाते हैं, तो ये ढोलना है जो कि राजपूत ब्राह्मण में ये ढोलना चलता है, और यूपी बिहार के जो लोग होंगे वो समझते होंगे। तो अगर आप ये पहनी है तो भी ठीक है, अगर नहीं तो बहुत सारे लोग के यहाँ ये नहीं चलता है, बड़ा वाला मंगलसूत्र चलता है। तो आप लोग मंगलसूत्र जरूर पहन लीजिएगा, क्योंकि मंगलसूत्र मंगल के लिए ही पहना जाता है। तो इसलिए अगर आप व्रत कर रही हैं सावन में, जो भी व्रत कर रही हैं, तो उस दिन आप लोग मंगलसूत्र जरूर पहनिएगा। मान लीजिए कि आप अपने घर में पूजा कर रही हैं या आसपास के मंदिर में पूजा कर रही हैं, जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं हो, तो वहाँ पे आप लोग मंगलसूत्र पहन करके ज़रूर जाइएगा। अब ऐसे जगहों पर हमें नहीं जाना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो वहाँ पे सोना वाला मंगलसूत्र पहन करके आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पूजा करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चोरी करने के लिए आते हैं। तो हमें पूजा के साथ साथ में हमें अपने सामान का केयर भी करना है। तो आप अपने घर में मंगलसूत्र पहन करके पूजा कर लीजिएगा। सोमवार के दिन आप लोग पूरे दिन मंगलसूत्र पहन करके रखिएगा, क्योंकि पूरे सावन तो पहन करके हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन सोमवार के सोमवार आप लोग जरूर पहन लीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा रहता है तो उतना बड़ा मतलब पहन करके काम धाम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, या डर भी लगता है कि कहीं टूट ना जाए। तो आप लोग ऐसे पहने ना पहने, लेकिन जब भी आप लोग सोमवार का व्रत करें तो उस दिन मंगलसूत्र जरूर पहने। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो अगला नियम है कि, तो बता दूं कि सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को हमें 16 श्रृंगार करके ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और दिन सावन के महीने में अगर आप 16 श्रृंगार नहीं कर रहे, क्योंकि 16 श्रृंगार प्रतिदिन करना ये आसान काम नहीं है, तो प्रतिदिन आप लोग सिंदूर बिंदी काजल लिपस्टिक ये सब लगा सकते हैं, लेकिन सिंदूर बिंदी आप लोग पक्का लगा करके ही पूजा कीजिएगा। तो बता दूं कि सोमवार के दिन, सोमवार के सोमवार आप लोग 16 श्रृंगार जरूर कीजिएगा। उस दिन आप लोग अपने सिंदूरा से सिंदूर भी पक्का लगा लीजिएगा, सिंदूर लगा लीजिएगा, बिंदी हरे रंग की बिंदी लगा लीजिएगा, चूड़ी, पैर में महावर, मंगलसूत्र, ये सब हमें 16 श्रृंगार करके ही सोमवार के सोमवार हमें पूजा करनी है शिव जी की। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि सावन के महीने में आप अपने हाथ में मेहंदी जरूर लगा लीजिएगा। अब ये तो नियम तो ये है कि मतलब सावन भर हमें मेहंदी लगा करके ही रखना चाहिए। अगर आपके हाथ में अगर ये तो लगा लिए तो फिर तो अगले सोमवार तक तो चल ही जाएगा, और नहीं तो नियम जरूर कर लीजिएगा। प्रत्येक सोमवार को एक बूंद भी डाल लीजिएगा हाथ पे, नियम कर लीजिएगा, क्योंकि सावन के महीने में हाथ सूना मत रखिएगा, हमेशा हाथ को लाल रखिएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि सावन के महीने में हमेशा मेहंदी लगा करके ही रखिएगा, और 16 श्रृंगार करके ही हमें प्रत्येक सोमवार का व्रत करना है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं। देखिए, जो भी लोग ऑफिस जाते हैं तो वो लोग तो मतलब काम में बिजी रहते हैं, तो काम में बिजी रहती है, फिर भी सुहाग से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। दुनिया की हर सुख एक तरफ, और हमारा सुहाग एक तरफ, तो सुहाग का व्रत है। तो जो लोग भी जॉब कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करती है तो बिछुआ नहीं पहनती है, पायल नहीं पहनती है, क्योंकि सूज में गड़ता है। तो देखिए, और दिन पहने या ना पहने, लेकिन सोमवार के सोमवार या आप लोग पूरे सावन भर हो सके तो आप लोग अपने पैर में पायल और बिछुआ हमेशा डाल करके रखिएगा। बिछुआ एक एक भी पहनिएगा, लेकिन पहन करके रखिएगा। ऐसे तो जो घर में औरतें काम करती है वो तो हमेशा अपना बिछुआ पहन के रखती है, लेकिन जो लोग भी जॉब करती है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि एक एक भी बिछुआ जरूर पहन करके रखिएगा। क्योंकि बिछुआ जो होता है ना, वो सुहाग की सबसे बड़ी प्रतीक होती है, क्योंकि बिछुआ हो गया, मंगलसूत्र हो गया, तो ये सब चीज़ हमें शादी के बाद ही मिलता है। तो इसलिए कोई भी व्रत करे तो बिछुआ जरूर पहन लीजिएगा, मंगलसूत्र जरूर पहन लीजिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं। तो अगला नियम है कि जब भी आप सावन सोमवार का व्रत कर रही हैं, तो आप अपने घर में पूजा कर रही हैं या मंदिर में भी जा रही हैं, तो जब भी आप पूजा पाठ से निवृत्त हो जाती है, तो अगर आपके पति आपके पास में रहते हैं तो उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा, या अगर आपके पास में नहीं रहते हैं तो फ़ोन पर भी आशीर्वाद ले लीजिएगा, लेकिन ले लीजिएगा, क्योंकि हमारे महादेव खुश तो वो भी महादेव खुश। तो इसलिए पहले अपने महादेव की खुश करने की हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पति होते हैं जो मतलब लड़ाई झगड़ा के चक्कर में रहते हैं, तो लड़ाई झगड़ा सावन के महीने में ना करें,
अच्छे से रहें, अगर एक बात भी पति बोलते हैं तो उसको बर्दाश्त करके रहें, लेकिन सावन के महीने में लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। और पति को, पति का चरण स्पर्श जरूर कर लीजिएगा जब भी आप व्रत करके आती हैं। मान लीजिए कि अगर आप मंदिर जा रही हैं, अगर उधर से लेट हो गया आने में, तब तक पति ऑफिस चले गए, तो अगर वो शाम को भी आते हैं तो भी आप लोग उनका चरण स्पर्श कीजिएगा, या नहीं तो आप लोग सुबह में भी चरण स्पर्श करके भी आप लोग पूजा कर सकती है। लेकिन नियम है कि जब भी हम पूजा कर लेते हैं इसके बाद में हमें अपने पति की चरण स्पर्श करना चाहिए। तो जैसे हो सके आप लोग जिस दिन व्रत रखिएगा उस दिन पति का चरण स्पर्श जरूर कर लीजिएगा, आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं। अगला नियम है कि सावन के महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। हरे रंग की साड़ी हो, सूट हो, कुर्ती हो, हरे रंग के चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हरे रंग ज़्यादा पहने, या आप लाल पीला ये सब पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमें सावन के महीने में काला और ब्लू, ये दो जो कलर है ना वो हमें नहीं पहनना है, ये दो चीज़ों का हमें परहेज करना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगला नियम है कि सावन के महीने में हमें ज़्यादा हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए, हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, चाहे वो सूट हो, साड़ी हो, कुर्ती हो, मतलब कुछ भी हो, भगवान का दिया हुआ आपके पास में जो भी है, आप सावन में ज़्यादा हरे रंग का ही प्रयोग कीजिएगा। क्योंकि सावन का जो महीना होता है वो हरा भरा महीना होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। या आप चाहे तो सावन में लाल पीला ये सब पहन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाल हरा पीला ये सब आप लोग पहन सकते हैं, ज़्यादातर इसी रंग का आप लोग प्रयोग कीजिएगा। चाहे ये चूड़ी है तो हरे रंग की चूड़ी सावन भर आप लोग अपने हाथ में डाल करके रखिएगा, ये नहीं कि हाँ पहले दिन पहन लिए फिर उतार दिए, नहीं, हमें पूरे सावन हरे रंग की चूड़ी पहन करके रखना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, और भगवान का दिया हुआ जो भी आपके पास में लाल पीला हरा वस्त्र है वही धारण कीजिएगा, ये नहीं कि हमें काला ब्लू ये सब कपड़ा धारण करना है। तो सावन के महीने में आप लोग काले रंग का परहेज कीजिएगा, क्योंकि काला जो रंग होता है ना वो शिव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो हाथ में काले रंग का धागा पहनते हैं या गले में भी काले रंग का धागा पहनते हैं, तो कोशिश करें कि सावन के महीने में उसको उतार दे, पूजा करने जाते हैं तो उसको उतार दे, फिर जब सावन ख़त्म हो जाएगा तो अगर आप पहनना चाहते हैं तो पहन लीजिएगा, लेकिन सावन भर काला धागा हो या मतलब बधी अगर आप बांधी हैं तो उसको बांध करके मत रखिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो पैर में बांधते हैं काले रंग की धागा नज़र से बचने के लिए, तो पैर में है तो उसको रहने दीजिए, लेकिन हाथ में और गले में मत पहनिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गर्मी लगती है तो ये सोने वाले उतार देते हैं और काले रंग के धागा पहन लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी खाली मतलब गला पानी नहीं पीना चाहिए, तो इसलिए लोग धागा पहन लेते हैं। तो आप लोग धागा पहन रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काले रंग का सावन में प्रयोग ना करें, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सारी जो नियम है, देखिए मानने वाले के लिए सब कुछ है और ना मानने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोग मानती है अपने सुहाग के लिए, अगर ये सब नियमों का पालन करती है तब तो सबसे अच्छा है, और करना भी चाहिए, क्योंकि नियम काहे के लिए बना है, करने के लिए ही बना है। तो इसलिए कुछ नियम हमें फॉलो ज़रूर करना चाहिए, और ना मानने के लिए कुछ भी नहीं है। तो टोटल आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप मान रही हैं या नहीं मान रही हैं। तो मानने वाले के लिए सब कुछ है, ना मानने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये टोटल आपकी इच्छा है। तो सारी बातें क्लियर हो गई, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को सावन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि किसी के द्वारा भी कोई भी गलती ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।